हमने अपने लेक्चर्स और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हम लोग का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। अकॉर्डिंग टू दी बुक, अगर हम बुक पे जाए तो बुक के अकॉर्डिंग हम लोग का 10 चैप्टर है, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम की बात करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। जैसा कि चैप्टर का नाम है, नाम सबसे पहले हमारे पास आ रहा है प्रकाश, मतलब कि हम लोग इस चैप्टर में जो भी चीजें बातें होंगी, जो भी टर्म्स आएंगे, जो भी नए वर्ड्स आएंगे या जो भी बातें होंगी, सबके सभी प्रकाश के रिलेशन में होगी, प्रकाश के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। सो आज ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम चिल मार लीजिए। काफी दिन से आप पढ़ाई लिखाई नहीं करें तो जब तो लग ही चुका है दिमाग पे, कोई बात नहीं, उसको खाली रहने की कोई जरूरत नहीं है उसका। वेल, आज हम लोग छोटे मोटे टर्म्स की बात करेंगे, छोटे मोटे फैक्टर्स की बात करेंगे और इस चैप्टर में जो भी वर्ड्स आने वाले हैं हम उसकी बात करेंगे। सो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रकाश। अगर मैं बात करूं प्रकाश, तो आप सभी लोग जानते हैं प्रकाश क्या होता है। अगर परिभाषित तौर पर बोले या परिभाषा के रूप में बोले तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब वस्तु में हमको दिखाई कैसे पड़ती है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, जब भी प्रकाश आती है, अब प्रकाश कहां से आती है? प्रकाश सूरज से आ सकती है, बल्ब से आ सकती है, आग जलाने में आ सकती है, कैसे आ सकती है। तो प्रकाश जब भी आती है वो किसी वस्तु से टकराती है। अब ये टकराने में वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी, जब हम प्रकाश को उससे टकरा के वापस हमारे आंखों तक आएगी तब हमें वस्तु को दिखेगी। अगर हमारे आंख तक नहीं आई तो हमको वस्तु नहीं दिखेगी, टकरा के वापस तो वस्तु क्या दिखेगी, ठीक है। आप ये काम करिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिए, धीरे धीरे छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए। कुछ लोग हमारे जिंदगी के नोट्स आपको खुद प्रोवाइड करेंगे, बट देन ऑल्सो खाली बैठने से बेटर जो भी मैं बता रहा हूँ प्रॉपरली उसको सुनिए, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी उसको एक बार में तो हो सकता है कि आपको कोई बात ना समझ में आए, उसको एक बार दो बार रिवाइज करें और उसके बाद हल्का हमारा नोट्स बनाते हैं पॉइंट वाइज। हर चीज आपको प्रॉपरली नहीं बनाना है, बट पॉइंट वाइज हम उसको बना सकते हैं। वैसे जो भी आप मैंने आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पॉइंट वाइज है। वेल, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा की बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे प्रकाश आपको प्राप्त करना होते हैं या प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो वह प्रकाश के मेनली दो स्रोत पाए जाते हैं, दो तरह के स्रोत पाए जाते हैं। एक होता है विद्युत स्रोत और एक होता है अविद्युत स्रोत। विद्युत स्रोत की बात करें तो वे स्रोत जिनके अंदर खुद की रोशनी उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं विद्युत स्रोत। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं सूरज, बल्ब, तारे और भी बहुत से होते हैं। और अविद्युत स्रोत क्या होते हैं? अविद्युत स्रोत उनको कहते हैं जो किसी दूसरे की सहायता से हमको प्रकाश देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कांच लेते हैं, कांच के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी, टकरा के हमने रोशनी दिया, तो उन्होंने भी तो रोशनी किया, बट किसकी सहायता से? सूरज की सहायता से, लाइट की सहायता से। तो ये हमारे हमने दो प्रकार के स्रोत या जिन प्रकार या जिन स्रोतों की सहायता से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुण की। देखिए, प्रकाश का गुण पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन क्वेश्चन दिए गए, उसके चार ऑप्शन है, एक आपको ए सही होगा उसको आप लगाएंगे आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो मेनली बहुविकल्पी मैक्सिमम टाइम हमने देखा है फिजिक्स के पेपर में, जो बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं प्रकाश के गुण से आते हैं। तो प्रकाश के गुण की बात करेंगे, प्रकाश के गुण की सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बोलूं, प्रकाश हमेशा सीधे रहती है। सीधे मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में, कब तक? जब तक मान लो कोई अवरोध होता है वो एकदम अपने सीधे चलती है। इसीलिए मैंने लिखा है प्रकाश किरण जो होती है वो सरल रेखा में गमन करती है या चलती गमन करती है, चलती है, ठीक। आगे मैं संचरण, संचरण मतलब जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है उसको कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है तो ये मान। मतलब जो प्रकाश
प्रकाश चलती है वो विद्युत और चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। इस कारण से विद्युत चुंबकीय तरंग की खासियत होती है कि वो चलने के लिए या संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम आसानी से जा सकते हैं। अभिसारी प्रकाश कुछ,
तीन नाम मान लेते हैं, चार पांच जितना आप चाहे ले सकते हैं, लेकिन जितनी प्रकाश किरणें हैं अंत में सभी सभी जो है एक जगह पे एकत्रित हो जा रही है, एक जगह पे क्या हो जा रही है, एकत्रित हो जा रही है। ऐसे प्रकाश पुंज जिसमें अंत में जितनी भी प्रकाश किरणें हैं एक जगह पे एकत्रित हो जाए उसे हम बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा जो हमारा अपसारी प्रकाश पुंज, जब जितनी भी प्रकाश किरणें हैं एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो, इसमें क्या था दोनों में अंतर है, एक में अंत में एक जगह एकत्रित हो जा रही है, दूसरे में एक ही बिंदु से निकल रही है। बस मान लेते हैं हमने यहां एक बल जगह है प्रकाश के लिए, एक इधर में एक इधर में एक इधर में एक इधर में एक इधर में, बट यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो किरण है उसका जो स्रोत है वो निकल एक ही बिंदु से रही है, तो ऐसी प्रकाश किरण जिनका प्रारंभ बिंदु एक ही होगा उसको हम बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। तो दो चीजें होंगी अपसारी और अपसारी, और समांतर वाला जो है एकदम आसान है, इस पुंज में जितनी भी किरणें होती हैं सब आपस में एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर मतलब दो ऐसी रेखाएं आप लोग मैथ से पढ़े होंगे, पैरेलल लाइन से समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होती है, दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो निश्चित हो कभी भी परिवर्तित ना हो उनको हम क्या बोलते हैं समांतर। तो ये जो पुंज है इसमें जितनी भी किरणें होती हैं सभी सभी एक दूसरे की क्या होती है समांतर होती है, मतलब उन लोगों की हर किरण के बीच की दूरी आपस में क्या होती है निश्चित होती है, कभी भी वो आपस में एक दूसरे से मिल नहीं सकती है, ऐसे पुंज को क्या बोलेंगे समांतर प्रकाश। वेल आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म हो रहा है, और कल जब हम लोग शुरू करेंगे तो कल हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा परावर्तन, जो कि इस चैप्टर का बेसिक है, सबसे मेन पॉइंट है। फिर खत्म करने के पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं परावर्तन होता है। आप सभी लोग शीशे के सामने खड़े होते हैं खुद को देखते हैं, जो आप खुद को देख रहे हैं उसमें हो क्या रहा है थोड़ा सा समझिए सोचने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए शीशा, शीशे पे कोई प्रकाश किरण है, अब गिरे तो क्या होगा, अगर ये पारदर्शी होता, पारदर्शी मतलब इसके आर पार प्रकाश किरण जा सकती तो प्रकाश किरण से आर पार निकल जाएंगे, लेकिन शीशे में कभी ऐसा नहीं होता, ये प्रकाश किरण इससे टकरा कर क्या हो जाएंगे वापस चली जाएगी, इसी को हम क्या बोलेंगे परावर्तन। वेल आज के लिए थैंक यू।